नमस्ते जी नमस्ते क्या हाल चाल हैं आपके सर जी हम तो बहुत अच्छे हैं आप बताइएगा हम भी बहुत बहुत अच्छे हैं प्रेम से बोलेंगे राधे राधे बाबा जी डमरू बजा दो जरा बजा दिया है मैंने डमरू दक्ष शिवा सागर हनुमान गायत्री कृतिका आदित्य सभी का बहुत बहुत स्वागत है आइए हम उस काम को शुरू करते हैं जिसके लिए आज हम यहां पर इकट्ठा हुए हैं ऐसे करके और बहुत याद आई सर जी आपके लिए मेरा बच्चा मेरा कबूतर मेरा लाल यहां पर आते हैं और हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सी ए सी एम ए सी एस इंटरमीडिएट का जीएसटी का मे अब्लिक जून 2024 का रिवीजन एकदम ताजा ताजा एक नई चीज यहां पर जैसे ही रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा इससे जुड़े हुए जो क्वेश्चन आंसर हैं मेरे कंपाइलर के जितने भी टॉप नॉच क्वेश्चंस हैं उस चैप्टर के तो उसका वीडियो भी आपको इस रिवीजन वीडियो के बाद मिल जाएगा ये जो हम रिवीजन लेके चल रहे हैं ये चैप्टर वाइज रिवीजन है समझ में आ गई बात आज पहला चैप्टर करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर आप बस कंसिस्टेंटली इसको फॉलो करके चलना जैसे ही आपके ये रिवीजन वीडियो आता है साथ में क्वेश्चन आंसर वीडियो आता है फटाफट से आप इसे निपटा लें ये कॉम्पैक्ट बुक और ये आपका कंपाइलर जहां से आपके क्वेश्चन आंसर के वीडियो आएंगे ये अवेलेबल है मेरी वेबसाइट crajkumar.com पर तो वहां से आपको ये मिल जाएगा जिसके पास ऑलरेडी है बहुत अच्छी बात है तो आई थिंक हमें स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि यहां पर थैंक यू शिवा यहां पर आकर आ, हमें आ, समय को अपने बचाना है राइट right, बेबी चले पहले बोलो यस सर यही है राइट चॉइस बेबी आहा और थोड़ा सा ना खुश होके बैठिएगा अच्छे से बैठना काम सारे करने हैं लेकिन जिस काम को थोड़ा सा रस लेके करते हैं ना वो काम आपका बड़ा अच्छे से होता है मालिक ठीक है तो पूरी एनर्जी पूरे जोश पूरे उमंग पूरे आनंद के साथ में हम अपनी ये कथा का प्रारंभ करते हैं ठीक यस सर तो पहला चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन एंड कॉन्स्टिट्यूशन का तो यही से बात करेंगे वाई टैक्स तो उसमें लिखा है गवर्नमेंट नीड जैसे कि मैंने आपको बताया था फैमिली को रन करने के लिए एक मुखिया का होना जरूरी है और 140 करोड़ लोगों की फैमिली को रन करती है सरकार सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है तो वह जो हम जो लोग हैं कमा रहे हैं इनकी कमाई में से ही एक बाइट सरकार ले जाती है उसी को टैक्स के नाम से बुलाया जाता है जिससे कि एक से चालीस एक सौ चालीस करोड़ लोगों का पेट पाला जा सके तो गवर्नमेंट नीड फंड टू तो फुलफिल इंक्रीजिंग डेवलपमेंट नीड्स ऑफ कंट्री और टू तो फुलफिल सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ़ द कंट्री दैट्स तो वाई गवर्मेंट इम्पोज करती है टैक्स यानी कि एक फैमिली को रन करने के लिए ये करते हैं टैक्स क्या है जैसा कि बताया कि तेल तो तिलों में से ही निकलता है हम लोगों का जो काम धंधा है या जो कमाई है उसमें से एक बाइट सरकार जो ले जाती है कंपलसरी ले जाती है एक एक्ट के तहत ले जाती है उसे ही बोल देते हैं टैक्स तो कंपलसरी एक्सटॉशन ऑफ मनी है जो ये गोले गोले खींच रहा हूँ आप भी इन गोलों को खींच लेना क्योंकि ये की हैं बिकॉज आप साफ सुथरे तरीके से गोले खींचते हैं तो इसे क्या होगा जब आप अगला रिवीजन करने बैठोगे तो गोले गोले पे नजर डालोगे तो आपका रिविजन बड़ा फास्ट वे में हो जाएगा तो कंपलसरी एक्सटॉशन ऑफ मनी है मेड अंडर एन एक्ट है और टू सपोर्ट नेशन होता है टाइप ऑफ टैक्स दो तरह के होते हैं डायरेक्ट टैक्स और अपना इनडायरेक्ट टैक्स हो गया जिस पर इम्पोज हुआ इंजेक्शन जिसको लगा दर्द अगर उसी को होता है तो डायरेक्ट है इंजेक्शन लगा इसको दर्द कहीं और ही हो रहा है तो ऐसे में ऐसे बोल देते हैं इनडायरेक्ट टैक्स करके दो हिस्सों में बांटा जा सकता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जब बर्डन ऑफ टैक्स बाई द पर्सन ऑन होम इट इज लेवीड उसी पर पड़ता है तो डायरेक्ट है और जब ये किसी और पे जाके पड़ता है अल्टीमेट कंज्यूमर पे जाके पड़ता है तो इसे इनडायरेक्ट टैक्स बोल दिया जाता है डेस्टिनेशन <coughs> <coughs> प्रिंसिपल क्या बोलता है आपका ये कहता है गुड्स और सर्विसेज के संबंध में जो भी टैक्सेस की बात होगी वो उस कंट्री या स्टेट को दिए जाएंगे जहां पर कि गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम किया जा रहा हो जहां पर गुड्स या सर्विसेज का अल्टीमेट डेस्टिनेशन हो अगर ये इन कंज्यूम्ड इन इंडिया होते हैं तो फिर इंडियन गवर्नमेंट को मिल जाएगा टैक्स ठीक है कंज्यूम्ड इन इंडिया तो इंडियन गवर्नमेंट को और कंज्यूम हुआ है आउटसाइड इंडिया तो फिर आउटसाइड इंडिया जो सरकार बैठी है वही यहां पर टैक्स का बेनिफिट ले पाएगी ठीक है जी, यस सर, आप गोले की महिमा समझ गए ना हाँ तो आप देखोगे आगे चल के वाई टैक्स नीड फंड सरकार चलाने के लिए टैक्स का कंपल्स एक्ट के तहत सपोर्ट करने के लिए दो पार्ट ऑनहूम इट इज तो गोले गोले जरूर बना के चलिएगा ध्यान से और साफ सुथरे मैनर में राइट सर उसके बाद फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस की हम बात करते हैं मोर देन फिफ्टी परसेंट रेवेन्यू आपका इसी से आता है इसलिए आपका ये एक इंपॉर्टेंट सोर्स हो जाता है रेवेन्यू का क्योंकि फिफ्टी परसेंट प्लस कंट्रीब्यूट करता है इनकम टैक्स से ज़्यादा कलेक्शन आपके जीएसटी की एज ऑफ ना हो रही है गुड्स और सर्विसेज के ऊपर अपना ये लगाए जाते हैं सब जानते हैं बर्डन दूसरे व्यक्ति पर शिफ्ट हो जाता है इसमें करता कोई और है भरता कोई और है ये लगाया जाता है बिजनेस के ऊपर लेकिन इसका जो लोड है एक एक करके एक एक करके एंड यूज़र तक पास ऑन कर देते हैं यानी ऐसे मान के चलिए शुरू में फैक्ट्री से चलता है अंगूर फिर अगला वाला बंदा अपनी वैल्यू ऐड करता है और वैल्यू एडिशन के ऊपर जो टैक्स बनता है वो और जुड़ जाता है पिछले वाले टैक्स के अंदर मैं ठीक बोल रहा हूं अंगूर से बन जाता है वो आड़ू उसके बाद में फिर अगले वाले को दिया जाता है वो अपना वैल्यूशन ऐड करेगा एंड अपने वैल्यूशन जो ऐड किया है उस पर जो टैक्स बना है वो भी पिछले वाले टैक्स में जुड़ जाएगा आड़ू से बन जाएगा संतरा ऐसे संतरे से बनेगा आगे चलकर खरबूजा और खरबूजे से बनेगा तरबूजा यानी कि हर स्टेज पर जितना भी वैल्यू एडिशन होता जा रहा है वो सब इकमलेट होता जा रहा है और जिस तरबूजा मिलेगा एट द एंड एंड यूजर को जाके उसके ऊपर फाइनली लोड पड़ जाता है तो लोड जो है बर्डन शिफ्ट होता है अनदर पर्सन पर यानी कि एंड यूजर पे ये डायरेक्टली पिंच नहीं करता इनडायरेक्ट है ना लपेट के मारता है तो डजेंट पिंच डायरेक्टली तो इनडायरेक्टली ही पिंच मारेगा और <coughs> इन्फ्लेशन से इसका सीधा संबंध है मतलब कैसे सर जी ऐसे कि अगर किसी पर रेट ऑफ टैक्स बढ़ा दिया जाता है तो ऑब्वियस सी बात है महंगाई उस प्रोडक्ट की कीमतें डायरेक्टली बढ़ जाएंगी इंस्टेंटली बढ़ जाएंगी और अगर कम होता है तो कम कर दिया जाता है ऐसे वहाँ शराब नहीं होती जैसे अभी दो तीन पैक गटक ली गड्ढे तरफ भाई जला ठीक ये होगा लेकिन बादाम बादाम क्या इंस्टेंटली दे देते हैं कि आपने खाया ये ओ यस ऐसे थोड़ा ना होता भाई साहब है बाद असर करती है और लाइफ में याद रखना जो भी चीज इंस्टेंटली असर करती है खतरनाक होती है आगे ये रिग्रेसिव नेचर का है यानी कि यह संभाव रख के चलता है अमीर और गरीब में फर्क नहीं करता जात पात को ये नहीं मानता सबके लिए टैक्स रेट समान रहेगा चॉकलेट पर टैक्स का रेट सेम रहेगा चाहे उसे भिकारी का बच्चा खरीदे चाहे अंबानी का बच्चा खरीद के चले दोनों में चीज सेम रहती है फुल कंसंट्रेशन के साथ मुझसे आगे आगे चलते रहिएगा ऐसे ही मैं क्या क्या बोलने वाला हूं, क्या होने वाला होने है ठीक है जैसे माता पिता के आगे बच्चा भागता है ना कहीं घूमने घामने जाते हैं आप ऐसे भागते थे ना आगे आगे माता पिता कहते रुक जा रुक जा रुक जा भाई निकल जाएगा हाथ से रुक जा रुक जा आप रुकते ही नहीं थे ऐसे भागना है आपने ठीक है पूरे यहां रस के साथ में रहते हुए हमारे साथ में प्री और पोस्ट की बात करते हैं पुराने समय के अंदर मल्टीपल टैक्सेस आपके हुआ करते थे जिसमें आपका वैट आ जाया करता था जिसके अंदर एक्साइज हुआ करता था सर्विस टैक्स हुआ करता था इस तरह के सत्रह टैक्सेस हुआ करते थे जिनको सरकार ने ख़त्म करके वन टैक्स यहाँ पर ले आए मल्टीपल टैक्स होने के चलते हुए यहाँ पर इनके मल्टीपल कंप्लाइंस हमें देखने को मिल रहे थे जो कि अब सिंगल पॉइंट कम्प्लायंस यहाँ पर कर दिए गए हैं पुराने समय के अंदर कास्ट कैडिंग इफेक्ट अपना आया करता था और लेकिन अब नए सिस्टम के अंदर हमें वो कास्ट कटिंग देखने को नहीं मिलता है इक्का दुक्का जगह मिल जाए तो उसके लिए कसम नहीं खा रखी है पुराने सिस्टम के अंदर डबल टैक्स हुआ करता था लेकिन अब वो शायद देखने के लिए नहीं मिलेगा कास्ट कैटिंग और डबल टैक्सेशन में क्या अंतर होता है टैक्स ऑन टैक्स जब होता है उसे कास्ट कैटिंग कहते हैं फिर डबल टैक्सेशन क्या है डबल टैक्स ये है देखिए आप सभी जानते हैं एक समय में कोई व्यक्ति या तो लड़का हो सकता है या लड़की हो सकती है एक समय में दोनों नहीं हो सकता तो ऐसे ही कोई चीज एक समय में या तो गुड्स हो सकती है या सर्विस हो सकती है दोनों एक समय में नहीं हो सकते लेकिन पुराने समय के अंदर पोजीशन बड़ी ब्लर्ड हुआ करती थी किसी किसी के केस में से सॉफ्टवेयर के, के केस में रेस्टोरेंट के, के केस में तो वहां एक समय में गुड्स मानकर भी वेट लगाते थे और सर्विस मानकर सर्विस टैक्स लगाते थे तो दोनों मानकर जब टैक्स लगाए जाते हैं दोहरे उसे बोल देते हैं डबल टैक्सेशन प्रेम से बोलेंगे राधे राधे तो बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी ये सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी वैट सीएसटी, सर्विस टैक्स ये सब अपने यहां पर हुआ करते थे विच लीड्स टू मल्टीपल टैक्स जिसमें मल्टीपल कंप्लाइंस आपके आ रहे थे कास्ट कैडिंग था और अपना ये डबल टैक्सेशन भी यहां पर देखने के लिए मिलता था मालिक <coughs> इन सबको ओवरकम करते हुए हम सारी चीजें वन प्लेस पर लेकर आ गए हैं और मजे की बात है कि जो मैनुफैक्चर वगैरह सब हैं इनको अब सप्लायर और जितने भी बायर थे उन सभी को रेसिपियंट के नाम से बुलाया जाएगा और जितने भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है उन सबको इंटर स्टेट के नाम से बुलाया जाएगा एक ही टाइम पे वो, वो गुड्स और हाँ, शाबाश सोहेल शाबाश मेरे बच्चा मेरे कबूतर मेरे लाल आगे बढ़ते ओल्ड टैक्स और न्यू टैक्स के अंदर बात करते हैं एज ऑफ ना पुराने सिस्टम में कौन कौन फंसे रह गए हैं जितने भी बेवड़े हैं जो दारूबाज हैं जो दारू पी के गाड़ी चला रहे हैं वो अभी तक नए सिस्टम में नहीं पहुंच पाए क्या जो दारू पी के <coughs> क्या क्या सुबह सुबह कैसे कैसे नाम लिखने पड़ते हैं शिव 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 जो दारू पी के गड्डी चला रहे हैं वो ऑब्वियस सी बात है क्या मंजिल तक पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे गाड़ी पीती है पेट्रोल इंसान पीता है दारू वो मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे अभी वो पुराने सिस्टम के अंदर ही अटके हुए हैं वहीं कह रहे हैं कि आज गड्ढी तरफ भाई चला आगा चल कहीं ना रही गाड़ी पर वो चलाएगा भाई अपना ठीक है वो पे ऐसे बैठा हुआ है आगे चलते हैं टोबैको जो है ये ये आ, ये ये भी बेवड़ाई था कह रहा है है हम जाएंगे ऐसे ऐसे फैला हुआ है ये। एक पैर पीछे एक पैर आगे है इस इसमें पुराना टैक्स भी लगता है नया टैक्स भी लगता है तो आप देख सकते हैं बेवड़ों की हालत यही होती है ये वाली एक्सरसाइज जरूर किया करो ऐसे करके लेग्स मजबूत रहते हैं ठीक है और लेग्स अगर आपके मजबूत रहेंगे तो आप एकदम स्टे फिट और कनेक्टेड रहेंगे धरती पर चीता ऐसा है जिसके लेग्स सबसे ज्यादा मजबूत हैं ठीक है लेग मजबूत तो आप मजबूत रेस्ट ऑफ द गुड्स और सर्विसेज की बात करते हैं यहां पर आकर <coughs> तो उसमें आपकी टोबैको पे सेंटर एक साइड ड्यूटी लगती है इधर अपना जीएसटी भी लगाया जाता है और बाकी सब सब अपनी गाड़ी इन बेवड़ों नशेड़ियों को छोड़कर बाकी सब अपनी गाड़ी गाड़ी लेकर पहुंच गए हैं जीएसटी की दुनिया में वहां पर ये आ गए हैं ठीक है जी यस सर अब जीएसटी का है रे अब मुंह दिखाई इसकी करवा देते हैं घूंघटे में चंदा फिर भी है फैला चारों ओर अंधेरा तो इसकी मुंह दिखाई यहां पर होने वाली है तो बताया गया कि ये एक वो है ये एक जिन्न है ऐसा है क्या जो गुड्स और सर्विसेज के ऊपर आता है अच्छा कब आता है गुड्स और सर्विस आते ही आ जाता है नहीं जब तक उस गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई नहीं होती तब तक नहीं आएगा तो गुड्स या सर्विसेज की जो सप्लाई होती है मालिक उस सप्लाई को हम दो भागों में बांट सकते हैं कौन कौन से इंट्रा और इंटर इंट्रा हुआ है तो उसमें सी जी एस टी एस लग जाता है इंटर है तो आई जी एस टी उसमें लगा दिया जाता है आई जी एस टी पेबल हो जाता है सरकार को जिसमें से आधा सरकार अपने पास रखती है और बाकी आधा एस जी एस टी फंड के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है हम जानते हैं आई जी एस टी इज नथिंग बट एक एनवेलप होता है इसके अंदर दो कंपोनेंट निकलते हैं सी जी एस टी प्लस एस जी एस टी ऑब्लिक यूटी जी एस टी तो जब ये सरकारी खजाने में पहुंच जाता है आई जी एस टी फंड में पहुंच जाता है तो लिफाफा उतार देते हैं और रेलिवेंट फंड के अंदर कुछ पैसे को ट्रांसफर कर दिया जाता है राइट वे बी यस सर तो वेयर ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन जो है आपके फॉल अंडर टू डिफरेंट स्टेट अलग अलग में फॉल करते हैं कि मैं यहां तू वहां यानी और के बीच में अगर वो आ जाए जैसे बोलते हैं पति पत्नी और वो अगर वो बीच में है फिर तो भैयास्टेट तो बुलाया जाता है इस बार तो रिविजन इस चैप्टर का भी होना प्लेस ऑफ सप्लाई का बिकॉज ये आपके सिलेबस का हिस्सा हो चुका है आप सभी जानते हैं मस्त मजेदार है और मैं जितनी भी हमारी गैप फिल की क्लासेस थी ना जो ओल्ड स्कीम से न्यू स्कीम में आया था वो सारा का सारा मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं महीनों पहले दे चुका हूं जिन्होंने नहीं किया है वो कर लीजिएगा बेहद शानदार और खासतौर पर प्लेस ऑफ सप्लाई का जो चैप्टर होता है जो अभी आपका नया एड हुआ है कहते कि भाई रटने वाला है आप देखना मैंने कराया है बाबू थोड़ा समय लिया है लेकिन ऐसा हुआ है कि कतई जहर वाला जिन्होंने नहीं किया है वो कर लीजिएगा गैप फिल क्लासेस के नाम से मिलेंगे आपको ठीक है वेयर ऑरिजिन डेस्टिनेशन सप्लाई फॉल्स अंडर द सेम स्टेट तो ये इंट्रा यहां पर बन जाता है ये हमारे यूटीवर्स की बात करी जाती है यहां पर हम जानते हैं पुराने समय के अंदर तेलंगाना को मिलाते हुए उनतीस अपने स्टेट हुआ करते थे और दो आपकी दहली और पांडिचेरी मिक्स यूटी थी और आपकी जो पाँच है वो प्योरिटी हुआ करती थी उसके बाद में यहाँ पर आकर एक डी मर्जर हुआ यानी जम्मू कश्मीर एक यहाँ से कम हो गया और जम्मू कश्मीर यहाँ मिक्स यूटी के अंदर जाकर जुड़ गया और एक लद्दाख के रूप में यहाँ पर जाकर ऐड हो जाता है उसके बाद में एक हो जाता है मर्जर वो दमन दीव नागर नगर हवेली वो जो था अपना टू इन वन वो आपकी यूनियन टेरिटरी थी और दो को मर्ज करके एक कर दिया जाता है जिससे उनकी संख्या एक हो जाती है तो फाइनली हमारे सामने अट्ठाईस स्टेट हैं तीन मिक्स यूटी हैं और कुल मिलाकर <coughs> कुल मिलाकर यहां पर हमारे सामने कितना रहे <coughs> यूटीज में पांच अपनी ये आ जाती हैं लेकिन आपको ध्यान दिला दूं हमारे पास में जब यूटी की डेफिनेशन पढ़ने के लिए जाते हैं तो उसमें एक और आती है अदर टेरिटरी क्या आती है रे अदर टेरिटरी

इस चीज को ध्यान में रख के चलेंगे बाकी सब तो याद रहेगा इसको मत भूल जाना आप राइट बेबी यो तो ये रहा ट्वेंटी नाइन स्टेट थे दो मिक्स यूटी थी ये डी मर्जर हुआ है यहां पर एक मर्जर हुआ है ये सारा सीन यहां पर आपका लिखा हुआ अट्ठाइस हो गए तीन कुल हो गए इकतीस हो जाते हैं मिक्स यूटी को भी डिम्ड स्टेट का दर्जा हम देकर चलते हैं ओके सर जी द बुक्स आर अवेलेबल ऑन माई वेबसाइट सी राजकुमार डॉट कॉम बच्चा पूछ रहा है मैं आपको दिखा दूं यहां पर आएंगे अगर आप ऐसे करके तो सी ए राजकुमार डॉट कॉम यज माई वेबसाइट uh, यहाँ पर बाई लेक्चर्स बाई बुक्स में जाएंगे तो बाई बुक्स में सी इंटरमीडिएट पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको किताबें देखने के लिए मिल जाएंगी जो कंपाइलर है मेरा और जो यहाँ पर आकर अपना ये क्या बोलते हैं कॉम्पैक्ट है दोनों यहाँ पर अवेलेबल हैं आगे बात करते हैं कि आपके एक्ट यहाँ पर कौन कौन से बने हुए हैं अब हम जानते हैं कि हमारे पास में जीएसटी के कई सारे ब्रांचेज आ जाते हैं सी जी एस टी एस जी एस टी आई जी एस टी यूटीजीएसटी तो ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है टैक्स को टैक्स कहे जाने के लिए एक लीगल बैकिंग का होना बड़ा जरूरी होता है इसलिए यहाँ पर इन्होंने सबके अपने अपने यहाँ पर एक्ट बना दिए हैं और एक बना दिया जी एस टी कॉम्पनसेशन एक्ट जी आने से कुछ स्टेट को नुकसान हो सकता था उस नुकसान की भरपाई करने के लिए जेटली साहब ने कहा था कि ठीक है नुकसान होगा तो हम उसको बेयर करके चलेंगे आपको पैसे देंगे लेकिन वो पैसा इकट्ठा कहाँ से होगा सरकार के पास में तो सरकार ने एक कॉम्पनसेशन सेस लगा दिया जो लग्जरी आइटम और डीमेरिट आइटम के ऊपर लगता है लग्जरी आइटम मतलब कार वगैरह के ऊपर लगाया जाता है डीमेरिट आइटम मतलब डीमेरिट का मतलब चैनी खैनी चैन से मजा लो है? लेकिन इसको खाने वाले को जितना समय मुंह में रहेगा मजा आता है और ना खाने वाले को 24 फोर आवर उप्ट राधे, राधे। अंडर जीएसटी छोटी छोटी बातें स्टार्ट की थी जो क्रेडिट कॉन्सेप्ट हमारा कैसे वर्क करके चलता है जिसमें सबसे पहले हम आई की बात करके चलते हैं कि जो आई है पहले वो अपने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और अगर बचेगा तो पड़ोसी घर में कूद जाएगा इसके पड़ोसी कितने हैं आई जी के पड़ोसी कितने हैं सॉरी आई जी है देखो बीच में एक पड़ोसी इसका ये है और दोनों उतने ही करीब हैं दोनों की दोनों पड़ोसियों की दीवार और आई जी की दीवार घर की एक ही है ना तो अगर यहां पर बच जाता है पूर्ति करने के बाद में तो फिर किसके घर में जाएगा चाहे इसके घर में कूद जाए भाई कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे इसके घर में कूद जाए किसी भी रेशो में किसी भी तरीके जा सकता है क्योंकि दूरी उतनी है ही नहीं उसके बाद बात करते हैं सीजीएसटी पहले अपने की प्यास बुझाएगा यहां पर एंड उसके बाद अगर कुछ बचता है तो फिर पड़ोसी घर में कूद जाएगा देखिए पड़ोसी कौन सा पड़ोसी जो क्लोज पड़ोसी है उसके पास तक जा सकता है क्या सीजीएसटी एसजीएसटी मतलब दो घर छोड़ के कूद सकता है उसे घर में जाके नहीं जाएगा अपने क्लोज पड़ोसी घर जा सकता है इसलिए पॉसिबल है क्योंकि आईजीएसटी के अंदर सीजीएसटी का कॉम्पोनेंट होता है दैट्स वाई सीजीएसटी कैन बी यूज फॉर द पेमेंट ऑफ आई जीएसटी उसके बाद आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि ये एस जी जो है पहले अपने की प्याज बुझाएगा यहाँ पर आकर जी सर और अपने की प्याज बुझाने के बाद में जो बचेगा उससे ये आई जी यानी अपने पड़ोसी जो क्लोजेस्ट पड़ोसी है उसके यहाँ पर जा सकता है वहाँ पर यूज़ किया जा सकता है ऐसा हम लोगों ने देखा था क्या एस जी एस टी सी जी एस टी के लिए जा सकता है बहुत दूर का मामला पड़ गया नहीं जा सकता क्योंकि सरकारें अलग अलग हैं स्टेट लेवल का क्रेडिट है सेंट्रल लेवल की लाइब्रेटी को पे ऑफ करने के लिए इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं और जिस प्रकार से बिहेव करता है आपका एस जी एस टी उसी प्रकार से बिहेव करेगा यूटी जीएसटी यूटीजीएस टी फर्स्ट टू यूटिलाइज फॉर द पेमेंट ऑफ यूटीजीएस टी कुछ बचेगा तो आई जी एस टी के लिए इस्तेमाल करवा दिया जाएगा शाबाश <coughs> यस सर अश्लीषा कौन है अमित पोब्रिचर बहुत नाम लेते हैं इनका अश्लीषा हमारा बहुत प्यारा बच्चा है और चलिए नंबर दो पर आइएगा और उसकी क्या क्वालिटीज हम नहीं बताएंगे क्लास के अंदर वो हमारे अपने पर्सनल बातें हैं ग्रुप में डिस्कस की जाती हैं ग्रुप वाले बच्चे सब जानते हैं आगे बढ़ते हैं मालिक बहुत अच्छा बच्चा है आ, one, two, हो गई सारी बात आपकी यहां पर लिखी है आई जी को पकड़ेंगे तो हमें एक ही एक्सटर्नल सीक्वेंस ध्यान रखना है और इंटरनल सिक्वेंस को भी ध्यान में रख के चलना है वैसे करके मालिक ठीक है जी हाँ रिविजन के साथ साथ इंपॉर्टेंट सेक्शन और टॉपिक की भी लिस्ट बनवा देना अरे सब बनवा दो काहे चिंता कर रहे हो जितना कहता जा रहा हूं उतना करते चले जाओ बहुत ही आनंद की आपको प्राप्ति हो जाएगी ठीक है यस yes, सर <coughs> तो सेक्शन तो एक बार में वन गो में आपको लिखवा दूंगा अलग से मैं ठीक क्वेश्चन आंसर जरूर करने हैं इसके बाद में क्वेश्चन आंसर का वीडियो अपडेट करा दूंगा चैप्टर वाइज ही फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेट ऑफ आई जी इस्तेमाल होगा आई जी के लिए बचा तो इनके लिए उसके बाद में सी का होगा पहले सी के लिए बचेगा तो आई जी के लिए लास्टली एस जी का होगा एस जी के लिए बचेगा तो इसके लिए ठीक है जी एंड वही या तो ये आएगा या फिर ये आएगा इन दोनों में से एक आता है तो पहले यूटी जीएसटी अपने जी उसके बाद में आगे बात करते हैं सिस्टम पुराने सिस्टम के अंदर क्या कमियां हुआ करती थी तो वहां पर हम आपको बता दें कमियां ये हुआ करती थी बुरा मेरे कि इसमें मल्टीपल टैक्सेस हुआ करते थे मल्टीपल कंप्लाइंस हुआ करते थे राइट right?

आगे बढ़ते हैं यहां पर आकर जीएसटी नेटवर्क की बात करी जाती है क्या है जीएसटी नेटवर्क क्या है सचिन में है लपिन है बोल रहे जीएसटीएन so क्या है जीएसटीएन एक कंपनी है जो सेक्शन आठ ऑफ कंपनीज एक्ट के तहत अपनी बनाई गई है जिसका उद्देश्य सरकार से पैसा लेकर इन्फोसिस को पैसा देना होता है राइट दूसरी एक और अहम बात एज ऑफ नाउ जो जीएसटीएन नाम की कंपनी है ये आउटपुट सर्विस जो दे रही है सरकार को इसके ऊपर जीएसटी लगना शुरू हो गया है लेटेस्ट अमेंडमेंट के मुताबिक इसका मतलब यह हो गया इन्फोसिस से से बिलिंग आएगी उस पर इसे आईटीसी भी अवेलेबल करा दिया जाएगा वो लिखा है एक सेक्शन एट में रजिस्टर्ड कंपनी है जीएसटी एन कंपनी का नाम है और जीएसटी पोर्टल ये प्रोवाइड करा के चलती है उस पर जितनी फंक्शनैलिटी है जीएसटी पोर्टल की उसकी मालकिन है जीएसटीएन और जो जी एस टी एन की अपनी सर्विसेज़ है तो यहां आज की डेट में जी एस टी लगना शुरू हो गया है जिससे पीछे से इसको आई टी सी भी अवेलेबल करा दिया जाएगा राइट वे भी ओ यस 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 बहुत अच्छा अब बात करते हैं आपके संविधान को लेकर यहां आपका डायग्राम आ जाता है जिस्ट ऑफ जीएसटी का लेकिन कोई बात नहीं पहले मैं संविधान की बातें भी आपको बता दूं एंड उसके बाद जिस्ट ऑफ जीएसटी का डायग्राम मेरी वेबसाइट पर फ्री रिसोर्स में मिल जाएगा वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा एंड उसके बाद फिर हम उसे अपना रख के चलेंगे यानी कि अगले लेक्चर में उसका डिस्कशन आएगा अब इस लेक्चर के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की बात भी हमें करनी होगी क्या है संविधान में है क्या लिखा है तो यहां मुख्य तौर पर आपको चार आर्टिकल देखने होते हैं एक आर्टिकल 246 कैपिटल ए एक है टू नाइन कैपिटल ए एक है आपका आर्टिकल थ्री सिक्सटी सिक्स और एक है आपका आर्टिकल टू सेवनटी नाइन कैपिटल ए करके आते हैं क्या बोलता है इसके अंदर आकर इसके अंदर आकर बोलता है टू फोर्टी सिक्स कैपिटल ए के अंदर आकर मैं बताऊं आपको सर इसमें बोलेगा कि देखिए एक इंट्रा सप्लाई होती है और एक आपकी इंट्रा सप्लाई यहां पर होती है तो जो आपकी इंट्रा सप्लाई होती है उसमें सी जी एस टी और एस जी एस टी का जन्म होता है तो करस्पॉन्डिंगली वो दोनों इकट्ठे ही चलते हैं तो यहां पर सरकार को लॉ बनाने की पावर भी इकट्ठी ही दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट लिखा है यहां पर आकर कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को सैमल्टेनियस पावर है टू मेक लॉस विद रिस्पेक्ट टू सी जी एस टी एस जी एस टी के संबंध में राइट बेबी ये गोले खींचना मत भूलिएगा ये गोले आपकी बड़ी मदद करेंगे हम बता रहे हैं आपको उसके बाद जो अपना आई आगे, जी एस टी एक्ट है उसके संबंध में आ, सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरी पूरी पावर यहाँ पर आ, दी जाती है एक्सक्लूसिव पावर होती है पर सर आगे बढ़ता तो है वो वो बढ़ता है लेकिन जो टैक्स पेयर का नाता है पहले स्टेप पर आईजीएसटी फंड में पैसा जाता है फिर अगले स्टेप पर सरकार इंटरनली उसे बांटती है तो ये तो इसके लिए बना हुआ है ना तो मेरा वास्ता तो ये कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट से मैं जुड़ा हुआ हूं मुझे नहीं पता आगे वो क्या करते हैं कैसे करते हैं तो यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्सक्लूसिव पावर दी गई है टू मेक आई जी एस टी लॉस के लिए और जो पांच पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं अभी वो जी एस टी के दायरे में नहीं है हां जिस दिन जीजा जी कहेंगे उस दिन में आ जाएगा तो ऐसे मान के चलिए कि डीजल पेट्रोल की जो है वो तो बस बाहर बैठा हुआ है एच अंदर आ जा वो तुरंत यहां पर अंदर आ जाएगा उसके बाद आर्टिकल नंबर टू सिक्सटी नई कैपिटल ए आता है तो जहां पर आपकी लाइन खत्म हुई थी ना ये वाली वहां से आपकी लाइन शुरू हो जाती है कि ठीक है पैसा आई जी एस टी फंड में पहुंच गया है अरे स्टे अलर्ट एक फिल्म चलती रहनी चाहिए दिमाग नहीं भटकना चाहिए रिवीजन के दौरान ध्यान दीजिए इधर ए ब्रेड बाद में रे हटा ब्रेड को मैं खा के आया हूं पहले से चाय भी रह गई मेरी तो हाँ ब्रेड बाद में तो यहां पे आके वो बोलते हैं कि ठीक है आईजेस्टी फंड में पैसा पहुंच गया है लेकिन ध्यान दीजिएगा ये जो आपको पैसा मिला है ना 50% जाता है ये सीजीएसटी फंड के अंदर और 50% जाएगा अपना ये एसजीएसटी फंड के अंदर मालिक ऐसे करके ये जाता है तो उसका बंटवारा हो जाएगा एंड फिफ्टी फिफ्टी का बंटवारा है और उसके बाद में यहां पर एक छोटी सी बात और बता दें आपको कि जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस अपनी होती हैं उन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को भी हम इंटर स्टेट के नाम से ही बुलाकर चलते हैं अब आता है कुछ डेफिनेशन लेकर आपका आर्टिकल नंबर 366 सिक्सटी सिक्स तो यहां पहली डेफिनेशन आती है जो कि इंपॉर्टेंट है आपके जीएसटी की है संविधान क्या बोलता है कि जीएसटी की परिभाषा यह है गुड्स और सर्विसेज के ऊपर लगने वाला एक टैक्स है लेकिन शराब को छोड़ देना सारे लड़कों की कर दो शादी बस एक को बचा के रखना यानी कि शराब को बचा के रखना तो शराब के ऊपर यह कॉन्स्टिट्यूशनल लॉक लगा है शराब की बोतल के ढक्कन पे लिखा होता है तीन सौ छियासठ थ्री सिक्सटी सिक्स वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉक है खुलेगा नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट उसे नहीं खोल सकती है शराब जीएसटी के दायरे में आ सकती है लेकिन उससे पहले संविधान को अमेंड करना पड़ेगा जो बच्चों का खेल नहीं है अच्छा जी संविधान को चेंज करना उतना ही कठिन है या उससे भी ज्यादा कठिन है जितना कि आई को बदलना किसी मुद्दे पर आकर गुड्स की बात करते हैं एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी विल बी कॉल्ड एज गुड्स सर्विस क्या है एनीथिंग अदर देन गुड्स विल बी ट्रीटेड एज सर्विसेज और जितनी भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है तो मैंने ऊपर बोल दिया तो ये यहाँ नहीं आते गलती से यहां आ गए, से यहां से हटा देंगे ऊपर लग दिया तो ध्यान दीजिए आपका शराब जीएसटी के दायरे में नहीं है इसके पीछे कारण है आर्टिकल 366 और फाइव पेट्रोलियम प्रोडक्ट जीएसटी के दायरे में नहीं है इसके पीछे संवैधानिक परमिशन मिली हुई है बस जीएसटी काउंसिल को हरी झंडी देनी बाकी जिस दिन वो दे देंगे उस दिन जीएसटी के दायरे में आ जाएंगे राइट वे बी और यस ठीक है सर जी उसके बाद आगे बढ़ते हैं और मैं यहाँ पे गोला खींचना भूल गया मैं गोला भी यहां पर खींच देता हूं एलकॉल के ऊपर आकर एलकॉल पे ठीक है ये आ गया जी अच्छा जी आर्टिकल नंबर 279 कैपिटल ए करके है इसमें जीएसटी काउंसिल की बात करके चलते हैं हमको जब भी इंडस्ट्री को कोई भी चेंज अगर करवाना होता है हाँ जी अच्छा मैं बुक के बारे में बता दूं ये जो बुक है ना कॉम्पैक्ट बुक ये कॉम्पैक्ट बुक बाबू नॉट ए पार्ट ऑफ किट नॉट अ पार्ट ऑफ किट ये किट का हिस्सा नहीं है जो आपको क्लास के साथ आती है ये सेपरेट होती है बाबू सेपरेट होती है ठीक है अच्छा जी तो जब इंडस्ट्री को कोई चेंज मांगता है तो वैसे में आ, आ, वो किसको अप्रोच करती है जीएसटी काउंसिल को और जीएसटी काउंसिल के अंदर हमें कौन देखने को मिलता है जीएसटी के जो काउंसिल हैं उसके जो मेंबर्स हैं उनमें हमें देखने को मिलता है जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं अपने वो वहाँ पर बैठे होंगे और हर एक स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर बैठा होता है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर पंकज चौधरी जी ये आंध्र प्रदेश अरुणाचल प्रदेश ये वो इकतीस आपके स्टेट हैं और दो बंदे यूनियन से यहां पर दिखाई दे रहे हैं ऊपर से ठीक है तो ऐसे में ये होती है आपकी जीएसटी काउंसिल यही लोग मीटिंग करके चलते हैं और देश के लॉ को बदलने की कार्यवाही यहीं से शुरू की जाती है तो अगर ये जीएसटी काउंसिल का वेटेड फेवरेबल वोटिंग 75 परसेंट बन जाता है तो फिर इसकी रिकमेंडेशन पार्लियामेंट को जाती है पार्लियामेंट उसको नोटिफाई करके जनता के समक्ष रख देती है और वो एक्ट का पार्ट बन के चेंज अमेंड होकर सामने आ जाती है अब यहां पर जो 75% परसेंट है इसकी कैलकुलेशन कैसे करी जाती है तो यहाँ होती है सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ होती है स्टेट गवर्नमेंट ऐसे करके ठीक मान लेते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी मुद्दे पर पूरी तरह से सहमत है तो ऐसे करेंगे ठीक बेबी यस सर और अगर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो वो यहाँ पर मान लो पच्चीस स्टेट इस पर एग्री कर जाते हैं ऐसे करके तो ये निकल के आएगा क्या आप मुझे बता सकते हैं परसेंटेज क्या आएगी सत्यम हाँ, कंपाइलर तो किट के साथ आता है आपका जी सर आ जाता है यहां पर हंड्रेड परसेंट ठीक है और बताइए जरा और सीजी को एक मानेंगे ठीक है जी हंड्रेड परसेंट वोट इनकी आ गई और इनकी कितनी पड़ी वोट जरा कैलकुलेट करके बताओगे आप मुझे प्लीज <coughs> इनकी वोटिंग यहां पर कितनी होती है <coughs> सर जी बताएं हम आपको देखिए ना बता रहे हैं 80.65 पॉइंट सिक्स फाइव आ गया आ, ये 80.65 पॉइंट सिक्स फाइव यहां वोटिंग आ जाती है ओके बेबी अब यहां पर देना है वेट तो वेट में कितना दूं मेरे पास तीन ऑप्शंस हैं सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एक बटा दो आधा आधा वेट दूं वन बाई थ्री टू बाई थ्री का वेट दूं <coughs> या फिर वन बाई फोर वन बाई फोर और थ्री बाई फोर का वेट देके चलो तो यहां पर जैसे मैंने कल समझाया था बच्चों को इसको मैंने जस्टिफाई कर दिया था कि अगर ऐसा करके चलते हैं तो पचास परसेंट हम तो यही आ जाएंगे और पिचहत्तर पूरा करने के लिए इनसे बस पच्चीस परसेंट वन फोर्थ स्टेट बस चाहिए ऐसे में क्या है बहुत सारे बीजेपी रूलिंग स्टेट है तो यहां स्टेट के साथ धोखा हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट मनमानी कर सकती है इसलिए स्टेट इस ने कहा था कि ठीक है हम रेवेन्यू आधा आधा, आधा बांटते हैं हम रेवेन्यू आधा आधा, आधा बांटते हैं हम खर्चे आधे आधे, आधे बांटते हैं लेकिन हम पावर को आधा आधा नहीं बांटेंगे थर्टी थ्री परसेंट आपको सिक्सटी सेवन परसेंट हमारे पावर आधी आधी हम नहीं बांटेंगे उन्होंने वेटेज दी यहां पर आकर वन बाई थ्री की और टू बाई थ्री की तो हंड्रेड इंटू वन बाई थ्री की वेटेज इस पर डाल दी और एट्टी पॉइंट सिक्स फाइव टू बाई थ्री की वेटेज इस लगा दी थर्टी थ्री 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 पॉइंट परसेंट अपना ये आ जाता है और भूरा मेरे ये कितना आया <coughs> ये आता है यहां पर अपना जी एटी पॉइंट सिक्स फाइव इंटू टू डिवाइड बाई थ्री ऐसे करके फिफ्टी थ्री पॉइंट सेवन सिक्स इतना आ गया जी तो वही अपना एट्टी सेवन के आसपास आ जाएगा मोटा मोटी एट्टी सेवन परसेंट की तो प्रपोजल पास हो जाएगा अब मुझे बताइए एक बच्चा बोलता है कि सर एक बटा तीन और दो बटे तीन यही क्यों इसमें कौन सी खास आ गई बच्चा अड़ गया अब क्या बोलूं उसको बच्चा कह रहा है ठीक है आपने ये नहीं लिया समझ में आती है बात तो और भी तो कुछ ले सकते थे इसमें क्या मलाई मिल रही थी मेरा जवाब बच्चे के लिए क्या होगा कल की बात है जो नया बहस शुरू हुआ है बच्चा अड़ गया उसे क्या बोलू चुप लॉ में लिखा है ये बोलू नहीं वो बच्चा यही जानना चाह रहा है कि लॉ में ऐसा ही क्यों लिखा है कुछ और क्यों नहीं लिखा तो मैंने समझाया मैं देख बच्चा देख अभी एक बटा दो एक बटा तीन मैं अगला पायदान क्या बनेगा बोला एक बटा चार बोलो वाई नॉट दिस वन तो मैंने कहा बच्चा देख अगर ऐसे कर देते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर वन फोर्थ इसकी थ्री फोर्थ तो थ्री फोर जब पावर करेंगे हम तो थ्री फोर में आप देख रहे हो सेवेंटी फाइव परसेंट सेवन यानी अगर मान लीजिए सारे स्टेट इकट्ठे हो गए इकतीस के इकतीस स्टेट मिल जाते हैं तो इसका मतलब हंड्रेड परसेंट वोटिंग इनकी इस पर आ जाती है इसका थ्री बाई फोर करके चलेंगे तो ये अपने आप अप में सेवेंटी फाइव परसेंट बन जाता है इसका मतलब ऑल द स्टेट्स मिलकर सेंट्रल गवर्नमेंट को डिच कर सकते कि ऐसे की तहसी में जा उसके बिना किसी भी प्रपोजल को पास कर सकते हैं सरकार गिरा देंगे ऐसे करके तो भाई ये तो इसलिए कहा कि मैं कहा ये बड़ा खतरनाक है यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट लूज पॉइंट पर आ जाती है ऊपर वाले में ये लूज पॉइंट पर थे इनको धोखा लग रहा था कि 50 परसेंट ऑलरेडी इनके पास में है थोड़ा सा और मिलाएंगे और स्टेट को डिच कर देंगे तो मिड मॉडरेट जो मिडवे सोल्यूशन था वो वन बाई थ्री और टू बाई थ्री का था इसलिए लॉ मेकर ने वन बाई थ्री और टू बाई थ्री यहां पर लिया था आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी <coughs> हाँ जी तो इस तरह से वेट डाला और यहां पर बात खत्म कर दी है ऐसे करके तो आपका चैप्टर यहां पर कंप्लीट हो जाता है मैं आपको क्वेश्चन आंसर का वीडियो अभी स्टाफ आएगा दस बजे तक आएगा दस बजे तक आपको क्वेश्चन आंसर का वीडियो तुरंत मिल जाएगा बस इतनी कु... मैंने हर क्वेश्चन के टॉप नॉच क्वेश्चन करवा रखे हैं और सुनो मेरी बात तुम क्या ही लोगे ऐसी हैंड होल्डिंग करिए मैं लिख के दिखाऊंगा आपको यस मैं लिख के दिखा रहा हूं कि बेटा मेरे कबूतर मेरे बच्चा देख जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो ऐसे ऐसे लिख के अयो थ्योरी क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल भी हर तरह क्वेश्चन लिख के दिखा रहा हूं उसके अंदर मैं यस लिख के दिखा रहा हूं वहां पर एक क्वेश्चन आपको भी दे रहा हूं उसमें से यह तू लिखी अपने घर जाके एक क्वेश्चन तुम्हें भी लिखना है तो सोचिए यहां से मैंने रिवाइज करा दिया क्वेश्चन आंसर से प्रैक्टिस हो गई और एक क्वेश्चन आपने लिखकर भी देख लिया बाबू मेरे चैप्टर पूरी तरह से ग्रिप में आ जाएगा कि नहीं आएगा आएगा मेरा ऑब्जेक्टिव यह है कि मैं सिर्फ जीएसटी के दम पर आपको पेपर पास करवा दूंगा सिर्फ जीएसटी के दम पर मतलब यानी कि 40 प्लस में आपके इसी में दिलवाऊंगा 50 में से इसके दम पर पेपर अपना पास किया जाएगा सर डेफिनेशन भी आज ज... नहीं डेफिनेशन आज नहीं डेफिनेशन कल होगा एक एक करके चैप्टर डेली करेंगे एक एक करेंगे तो फटाफट आज आपको किसके क्वेश्चन आंसर निपटाने हैं एक क्वेश्चन लिखना है रजिस्टर मेंटेन करके चलिएगा और पता है मैं आपको एक बात बता दूं सीए के अंदर बच्चे के बहुत सारे बच्चों के फेल होने का कारण सिर्फ एक है उनको लिखना नहीं आता है मैं आपको क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस में लिख लिख कर दिखा रहा हूं एक मैं लिख रहा हूं एक आपसे लिखवा रहा हूं फेल हो जाओ तो हमसे कह दीजिएगा मेरे साथ बेईमानी मत करना इस रिवीजन के दौरान नंबर नए पास ना हो तो कह दीजिएगा मुझसे जाओ ये मैं बता रहा हूं आपको यहां पर मालिक पर मेरा होमवर्क जरूर कर लेना एक क्वेश्चन दूंगा लिखने के लिए राइटिंग प्रैक्टिस के लिए उसको एग्जाम कंडीशन में ही लिखना है उसी पैटर्न पर उसी तरीके से जैसे मैंने आपको लिखवा रखा है बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रेम से बोलेंगे राधे राधे मिलते हैं आपसे अगली क्लास में ठीक यस सर